अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल आसाद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड का जो पास्टुलेट है। इस लेक्चर में हमने वो डिस्कस करनी है। पास्टुलेट को मेन पॉइंट्स भी कहते हैं। तो अगर आपने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपने साथ नोट करें कि ये लिखाई मैंने क्यों किए बिफोर द लेक्चर। वजह क्या है? वजह ये है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो का जो साइज है, लेंथ है, वो कम आ जाए। कम टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस वजह से ये लिखाई मैंने पहले की है। तो वीडियो के दौरान भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने पहले लिखाई की है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मेन पॉइंट्स जो रदरफोर्ड ने पेश किए, जो इसने नोट किए, इसने ये नोट किया है। फर्स्ट मेन पॉइंट, इसने कहा कि ये जो हमारे पास एटम्स है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस सेंट्रल पॉजिटिव वाला जो पार्ट है इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास। फर्स्ट वन ये है। इसने कहा द पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम्स, द सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट आर कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास है शेल। ये हमारे पास क्या है? शेल। ये हमारे पास क्या है? शेल। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या है? शेल है। और ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ओके। अब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो कम है इज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम्स। स्ट्रक्चर में हमारे पास है ये सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में आप देख सकते हैं हमारे पास ये सेकेंड है। ओके, तो हमारे पास ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ओके, और ये हमारे पास है शेल। तो अगर देखा जाए, ये हमारे पास क्या है? शेल है। ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और भी ज्यादा है लेकिन यहां तक काफी है। अब हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है न्यूक्लियस। अब इसने कहा कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है ये स्मॉल है इज कंपेयर टू द साइज ऑफ द, ये हमारे पास क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। और ये वाला जो हमारे पास साइज है, ये साइज ऑफ द एटम है, साइज ऑफ एटम्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो स्मॉल है इज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक, अब थर्ड के बारे में हमने बात करनी है। थर्ड मेन पॉइंट्स जो इसने नोट किए हैं, थर्ड मेन पॉइंट इसने ये नोट किए कि हमारे पास जो होल मास है एटम्स का वो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, और ये हमारे पास सेम टू सेम शेल है। ओके, हमारे पास ये शेल है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एटम का मास है वो सारा का सारा प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो कंसीडर करें हमारे पास
मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन, कार्बन एटम, कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो हमारे पास है 12, 12 है एटॉमिक मास, ओके। अब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉट हमारे पास क्या है, ये डॉट है हमारे पास न्यूट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन है इस कार्बन में और इसमें 6 प्रोटॉन है जो कि इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में मौजूद है, ये मास है या नहीं। द नंबर ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास, ओके मास नंबर, इसको हम क्या कहते हैं मास, और मास कहां पर मौजूद है इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में मौजूद है, ओके। अब ये हमारे पास कहां पर मौजूद है, इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में मौजूद है, ओके। ये हमारे पास न्यूक्लियस है या नहीं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और जितना भी मास है वो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, एटम्स के सेंटर में सारा का सारा जो मास है वो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब डिस्कस करने वाले फोर्थ मेन पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो रदरफोर्ड ने पेश किए, इसने ये कहा कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं एट हाई स्पीड, जिस तरह प्लेनेट रिवोल्यूशन करता है अराउंड द सन, इसी तरह सेम ये जो एटम्स है वो भी रिवोल्यूशन करते घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड में वो घूमता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता हूँ, तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ओके न्यूक्लियस, और ये हमारे पास है शेल, 1, 2 काफी है शेल, ओके ये 2 काफी है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड, ओके एट वेरी हाई स्पीड ये रिवोल्यूशन करता है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां तक पहुंच गया और फिर यहां तक ये रिवोल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, ये सन है, ये क्या है सन है। इसने कहा कि जिस तरह सन के इर्द गिर्द ये प्लेनेट रिवोल्यूशन करता है सेम टू सेम ये हमारे पास कंसीडर कर रहे हैं अर्थ, ये जुपिटर है, ये नेपच्यून है एटसेट्रा, ये क्या है, ये प्लेनेट है। इसने कहा कि जिस तरह प्लेनेट रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड सन सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी रिवोल्यूशन करता है अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में अब हमने बात करनी है, नेक्स्ट ये है कि इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो इसके लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद है वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसको प्रोवाइड होता है और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको किस फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स प्रोवाइड करता है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने कहा व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नीड सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है और वो प्रोवाइड करता है द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास शेल है, इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है इर्द गिर्द न्यूक्लियस में तो इसके लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है। कंसिडर करें यह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ये हमारे पास कंसीडर करिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स प्रोवाइड करता है ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। अब ये वाला जो फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रॉन पर इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अब ये घूम रहा है और इस पर
न्यूक्लियस एक फोर्स भी लगा रहा है और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुआ? इस पर यहां पर आप देख सकते हैं और सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब नेक्स्ट सिक्स नंबर ये है कि एटम में ज्यादातर जो हिस्सा होती है वो खाली होता है। इसने कहा यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, और ये शेल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों शेलों के दरमियान ये एम्प्टी स्पेस है या नहीं, ये एम्प्टी स्पेस है, ये भी एम्प्टी स्पेस है, ये भी एम्प्टी स्पेस है। तो ज्यादातर हिस्सा एटम्स में एम्प्टी होता है, क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो आपने सब नोट करें। सेवन्थ वन इसने ये कहा रदरफोर्ड ने कि अन एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, एटम्स एक न्यूट्रल पार्टिकल है। वजह क्या है? वजह है कि एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है न्यूट्रल एटम्स में, तो इस वजह से ये एक दूसरे का जो फोर्स है वो कैंसिल कर देता है। तो इस वजह से एटम्स एक न्यूट्रल पार्टिकल है। कंसिडर करें, मैं आपको एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। कंसिडर करें हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स, और हाइड्रोजन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर जो फोर्स है, मतलब जिस इस पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर और इस प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो सेम है, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है इफेक्ट। तो इस वजह से एटम्स क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, आई होप कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया अबाउट पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। अगर आपको कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है इस लेक्चर में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। इस लेक्चर के बाद हमने डिस्कस करने हैं ड्रॉबैक्स और वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। टेक केयर, बी हैप्पी, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। बी हैप्पी।